किष्किंधा की सेना सुमेरु में क्या कर रही है? सुग्रीव भैया वाली भैया से मुझे दूर क्यों करना चाहते थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताश्री, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, तुम्हारे आलिंगन से सुखद मेरे लिए क्या हो सकता है? मंगल कर घर आए हनुमन, पिता मिलन आनंदित उन्मन, गृह आगमना महा सुखारी, नेत्र मुदित निजलाल निहारी, मातु पिता से मिलन सुयोग, प्रेम प्रबल ममता कर योग, भरी आए जल व्याकुल नैन, मन प्रबोध नहीं निकरत बैन। पिताश्री, मेरे लिए भी आपके साथ से अधिक बहुमूल्य और कुछ भी नहीं है। हनुमान, पिताश्री, किष्किंधा के कोकटजी यहाँ क्यों उपस्थित हैं? और उनकी सेना भी दिख रही है। पिताश्री, जब मैं प्रवाल द्वीप से लौट रहा था तो वाली भैया मुझे मार्ग में मिले थे। बड़ा ही विचित्र सा व्यवहार कर रहे थे। मेरी शक्ति परखने के लिए उन्होंने अनेकों वार किए मुझ पर। सुग्रीव भाई आए, उन्होंने शीघ्र ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा। महाराज वाली तुम्हारी शक्ति परख नहीं रहे थे, वो तुम्हारा वध करने के लिए तुम पर वार कर रहे थे। हमारे यहाँ किष्किंधा की सेना का सुमेरु में होने का एकमात्र उद्देश्य है सुमेरु को किष्किंधा के अधीन करना। यदि सुमेरु ने महाराज वाली की अधीनता स्वीकार नहीं की तो किष्किंधा की सेना सुमेरु पर आक्रमण कर देगी। तुम्हारा भविष्य तो निश्चित है, महाराज वाली के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान मरकट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे कितना भी दूर भाग लो, परंतु मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। आ रहा हूं मैं सुमेरु, और यदि तुम भी सुमेरु में हो तो मैं भी वहीं आकर तुम्हारा वध कर दूंगा। कोकट जी, अवश्य ही वाली भैया परिहास कर रहे होंगे, वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते। सत्य क्या है तुम्हें ज्ञात नहीं है हनुमान? बस कोकट, हनुमान को ज्ञात कराने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी अंजना, कोकट, हनुमान, माँ, माँ, माँ,
छोर हो तुम। तुम्हें ज्ञात है ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर भी तुमने संदेशा तक नहीं भेजवाया अपनी कुशलता का। माँ, आपके बिना तो हनुमान भी नहीं रह सकता। यदि मेरा बस चले तो मैं आपके आंचल से कहीं भी दूर नहीं जाऊं। मेरे लाल, अरे इतने दुर्बल दिखाई दे रहे हो, प्रतीत होता है भोजन नहीं किया तुमने इतने दिनों। नहीं माँ, ये तो आपकी ममता भरी दृष्टि को लग रहा है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ, किंतु जैसा हनुमान पहले था वैसा ही है। बस बस चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। तुम पहले जाओ और स्नान कर। आज तो बड़ा ही आनंद आएगा, माँ बनाएंगी पकवान, जी भर खाएगा हनुमान। माँ बनाएंगी पकवान, मन भर खाएगा हनुमान। मैं जानती हूँ आप सबके लिए मेरा पुत्र एक योद्धा है, रक्षक है, संकट मोचन है, सुमेरु का युवराज है, किंतु एक माँ के हृदय से पूछे उसके लिए तो वो अब भी उसका नन्हा सा पुत्र ही है। हनुमान सदैव जगत के कल्याण के लिए अपनी माँ से दूर रहता है, उसे अपनी माता से मिलने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है, अतः हनुमान को उसकी माँ के साथ रहने दे, उसे इस प्रकरण से दूर रखें। आज हनुमान बहुत दिन पश्चात अपनी माँ के पास लौट कर आया है। माँ अपने एक मात्र पुत्र पर अपनी ममता, अपना स्नेह लुटाना चाहती, इसलिए हनुमान को इस राजनीति से दूर ही रखिए। इस माँ पर बड़ी कृपा होगी आप सबकी। की ममता ऐसी ही होती है, भले ही पुत्र जगत के संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान ही क्यों ना हो, मां की दृष्टि में तो पुत्र सदैव अबोध बालक ही होता है। पुत्र भले ही बड़ा हो जाए किंतु मां का निस्वार्थ प्रेम, पुत्र की कुशलता की चिंता सदैव ऐसे ही बनी रहती है जैसे बाल्यकाल में बनी रहती थी। मां की यही कभी ना क्षय होने वाली ममता उन्हें देवताओं से भी उच्च स्थान पर स्थित करती है। अतः कभी मां का अनादर नहीं करना चाहिए। जप तप व्रत से अवश्य पुण्य मिलता है, परंतु उससे भी अधिक पुण्य मिलता है मां की सेवा से। खीर तैयार हो गई? हो रही है महारानी जी। सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, इसमें मैं थोड़ा और मेवा डाल देती हूँ। अच्छा, अब इसे कुछ क्षण तक ऐसे ही चलाते हैं और फिर शीतल करने के लिए रख देना, ठीक है? जी। अरे अरे, लड्डू नहीं बने अभी तक? शीघ्रता से हाथ चलाओ, हनुमान स्नान करके आता ही होगा, उसके आने से पूर्व लड्डू बन जाने चाहिए। चलो मैं भी मदद करती हूँ। आज इतने दिनों पश्चात हनुमान मेरे हाथ के बने हुए लड्डू खाएगा। अरे ये आमफल ऐसे क्यों पड़े हैं? इनका आमरस कब बनाओगी तुम? चलो शीघ्रता से बनाओ। आपके
चिंता मत कीजिए महारानी जी, आमरस मैं बना दूं। अंजना, रसोई मैं संभाल लूंगी। हनुमान स्नान कर चुका होगा, तुम जाओ उससे जाकर सज्जित करो। बालकों को अपनी माँ के हाथों से सज्जित होने में बड़ा आनंद आता है। जी माँ। हनुमान के आते ही निष्प्राण से हुए राजभवन में चैतन्यता सी आ जाती है, उमंग और उल्लास सा छा जाता है। हाँ माजरिका, और अंजना का उल्लास तो देखने योग्य होता है। आशा है इस बार अंजना को हनुमान पर अपनी ममता लुटाने के लिए अधिक समय मिल जाए। निश्चित निश्चित ही वह मरकट सुमेरु गया होगा, परंतु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतनी शक्ति वाली भैया में पूरी गुफा ही ढह गई। वो सुमेरु की दिशा में गए हैं, कहीं कुछ अनर्थ ना कर दें। मेरा उन्हें रोकना आवश्यक है। की? नहीं, मेरी माँ के हाथ के बनाए हुए भोजन की सुगंध है। माँ अब तो एक क्षण भी नहीं रुका जाता, बहुत भूख लगी है। अभी भोजन परोसती हूँ। तुमने किया ना? दिनों के पश्चात आपके हाथ से बनाया हुआ भोजन जो मिलने वाला था। कहाँ है सारा भोजन? सखा, भोजन आरंभ करो पुत्र। ये पहला ग्रास चिड़िया का। आनंद, अति आनंद माँ। ये द्वितीय ग्रास
गैया का, गौरी की गैया का। माँ, आपके ये स्नेह भरे स्पर्श से भोजन अमृत बन जाता है। स्वर्ग के दिव्य भोजन में भी ऐसा आनंद कहाँ जो इस भोजन में है। और ये ग्रास माँ के लिए हनुमान का, और ये ग्रास हनुमान के लिए माँ का। हाँ? ये क्या हो रहा है? हाँ? वाली, वाली यहाँ? सिंहासन पर आसीन काका केसरी जी, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझ महानतम वाली के आदेश की अवज्ञा हुई है आपके सुमेरु की राजसभा में। काका केसरी जी, मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की आपने, या सुग्रीव को अधीनता स्वीकार कराना आया ही नहीं। वाली, काका केसरी जी, स्वर मध्यम। और कहाँ है वो भीरू सुग्रीव और आपका पुत्र हनुमान, जो मुझ महानतम वाली के भय से भागकर यहां कहीं छुपने आ गया होगा। माँ, अवश्य ही कोई अनहोनी घटी है। माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। किंतु हनुमान, कहां छुपकर बैठा है हनुमान? और वो सुग्रीव, जिसके लिए उस हनुमान की मित्रता मुझ महानतम वाली के आदेश से भी बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है भैया। वाली भैया, मैं तो आपको समझाना चाहता था कि अपनों से वैर अपना ही विवाद। मुझ महानतम वाली के आदेश का उल्लंघन कर मुझे ही समझाओगे तुम? यह इतना साहस आया कहां से तुम में? भैया मैं तो बस! मेरे आदेश की अवहेलना करने का दंड मिलेगा तुम्हें।